बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। नाउ इट्स टाइम टू टेक योर लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लेक्चर नंबर 20। स्टूडेंट्स, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 2, सैंपलिंग एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारे पास चैप्टर नंबर 2, सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमारा कवर हो चुका था रिग्रेशन एंड रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। न्यू चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम सबसे पहले थ्योरेटिकली सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे पास क्या चीज है? एग्रीगेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। एग्रीगेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन स्टूडेंट हमारे पास वो चीज है जिसमें ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, टोटल ऑब्जेक्ट्स, उनके दरमियान जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपके पास हम एक क्लास सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ईयर की क्लास हम चूज करते हैं, तो सेकेंड ईयर की क्लास में हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ स्टेटिस्टिक्स स्टूडेंट्स का। तो स्टेटिस्टिक्स स्टूडेंट्स वो सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी बुक्स सेम है, कोर्स सेम है, इसका मतलब ये कि उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंटरेस्ट, जैसे कि इंटरेस्ट जिस चीज में होगा, ठीक है, इंटरेस्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स में है तो वही हमारी पॉपुलेशन होगी। और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये कि वो सेम बुक पढ़ रहे हैं, सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स हम दूसरी भी देते हैं, फ्रूट ट्रीज इन अ गार्डन। एक गार्डन में जितने भी फ्रूट ट्रीज हैं वो हमारी पॉपुलेशन है, इंटरेस्ट है ना हमारा। फॉर एग्जाम्पल एक गार्डन में डिफरेंट ट्रीज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रूट ट्रीज हमारा इंटरेस्ट है, सो दैट्स व्हाई हमारी पॉपुलेशन जो होगी वो फ्रूट ट्रीज इन अ गार्डन। सेकेंड वन, ऑल द पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, जितने भी पेशेंट्स होंगे हॉस्पिटल में वो हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। एंड ऑल द कैटल इन द कैटल फार्म आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या चीज है? एग्रीगेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन, ठीक हो गया, कि जिसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाए ऑब्जेक्ट्स के दरमियान उनका एग्रीगेट हमारे पास पॉपुलेशन हो। नेक्स्ट मूव करते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन। अब फाइनाइट पॉपुलेशन हमारे पास क्या है? अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड फाइनाइट इफ इट इज पॉसिबल टू काउंट इट्स इंडिविजुअल्स। इट मे आल्सो बी कॉल्ड अ काउंटेबल पॉपुलेशन। मतलब ये कि वो पॉपुलेशन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट पॉपुलेशन हमारे पास वो पॉपुलेशन है जिसके ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो उसके बाद इसको हम काउंटेबल पॉपुलेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, द नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ ब्रिज एवरी डे, द नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ बुक आर फाइनाइट पॉपुलेशन। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा, लेकिन इसके बावजूद ये काउंटेबल है, ठीक है। पर ईयर जितनी भी डेथ्स हो रही हैं उनके नंबर ऑफ डेथ्स काउंट करना, नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ बुक, बुक्स में कितने वर्ड्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है। तो ये सारी एग्जांपल किसकी है? फाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट दिस द यूनिट्स कंटेन्ड इन द पॉपुलेशन, सच अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल पॉपुलेशन। कुछ सिचुएशंस में हमारी जो पॉपुलेशन होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें हम उसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट पॉपुलेशन। एग्जांपल्स, द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन अ स्काई, आसमान पर जितने भी सितारे हैं अगर हम इसको अपनी पॉपुलेशन लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट है इसमें, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो क्या है ये? हमारी इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इंटेलिजेंस, किसी भी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस को चेक मैं नहीं कर सकते, मतलब ये इंटेलिजेंस कितनी है काउंट नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ जर्म्स इन द बॉडी ऑफ अ पेशेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के कितने जर्म्स पेशेंट की बॉडी में हैं इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते। आया मलेरिया है या नहीं है हम ये बता सकते, लेकिन उनके जर्म्स को काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। नेक्स्ट, टारगेट पॉपुलेशन।
Target population क्या है? Suppose we have to make a study about the problems of the families living in the rented houses in a certain big city. Target population को थोड़ा सा explain करने के लिए यहाँ पे example लेते हैं. जैसे कि for example एक big city है, जिसमें हम study करेंगे problems of the families. उन families की problems को जो houses में रहते हैं लेकिन rented houses में. ठीक हो गया? ये हमारे पास पॉपुलेशन है. ऑल द फैमिलीज लिविंग इन आवर रेंटेड हाउसेस इज ओवर टारगेट पॉपुलेशन. मतलब ये कि जहां से हमने डाटा कलेक्ट करना है, टारगेट हमारा क्या है. ठीक है, अब हमने प्रॉब्लम्स देखनी है जो फैमिलीज रेंटेड हाउसेस में रहती है. ठीक हो गया, तो हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट उन्हीं फैमिलीज पे होगा. तो हम सिर्फ और सिर्फ जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो उन्हीं फैमिलीज से कलेक्ट करेंगे. तो वो फैमिलीज जो रेंटेड हाउसेस में रहती हैं हमारी टारगेट पॉपुलेशन. डियर स्टूडेंट, टारगेट पॉपुलेशन वो होती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हमने जो डाटा कलेक्ट करना है या जिस स्टडी को हमने कैरी आउट करना है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें जिस मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऑफ फैमिलीज हैं जो रेंटेड हाउसेस में रहती हैं, तो हमने रेंटेड हाउसेस फैमिलीज के ही डाटा कलेक्ट करना है. तो ये हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन. जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल दी थी कॉलेज में हमारे पास सेकेंड ईयर के तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स जो स्टैट्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ वो स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना है, उनकी प्रॉब्लम्स देखनी है, उनको प्रॉब्लम्स क्या आ रही है. ठीक है, तो हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन होगी वो स्टैट्स स्टूडेंट होंगे. ठीक है, इन सेकेंड ईयर. सैंपल क्या है बच्चे आपके पास? अब सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ सैंपल. सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ सैंपल. मतलब ये कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स हमारी पॉपुलेशन है. ठीक है, 10 स्टूडेंट है तो वो हमारी पॉपुलेशन है. और सबसेट मतलब उसमें से कुछ स्टूडेंट्स लेना. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स है तो हम उनमें से कुछ रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, दो तीन सिलेक्ट स्टूडेंट कर लेते हैं. तो जो दो तीन स्टूडेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन में से, वो हमारे पास सैंपल. ठीक है, हम सैंपल जो ले रहे हैं, जो हम दो या तीन स्टूडेंट्स रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन में से, वो दरअसल हमारे पास सैंपल, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का कोई भी एक सबसेट जो होगा वो हमारे पास सैंपल कहलाएगा. The number of units included in the sample is called the size of the sample and is denoted by small n. ठीक हो गया? क्या कह रहे हैं कि हमारे पास the number of units included in the sample. Sample में जितने students हमने select किए, for example जितने units select किए हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो size of a sample कहलाएंगे. For example, 10 में से हमने 3 students select किए, तो small n कितना होगा? 3. हमने sample select किया. ठीक हो गया? नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे पैरामीटर पे. एनी मेजर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर. एनी मेजर ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कोई भी मेजर जो हम करते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है, वो हमारे पास पैरामीटर. ठीक है, द पॉपुलेशन मीन म्यू इज अ पैरामीटर. जैसे कि हमने पॉपुलेशन का मीन फाइंड किया है तो वो हमारे पास पैरामीटर है. पॉपुलेशन से कोई भी चीज जैसे मीन फाइंड करना, वेरिएंस फाइंड करना, तो वो हमारे पास पैरामीटर है. ठीक है, एंड स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक नॉट एस, आगे स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रहा. ठीक है, ये सिर्फ जस्ट स्टैटिस्टिक है. द वर्ड स्टैटिस्टिक इज यूज्ड फॉर एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल. पैरामीटर कोई भी वैल्यू जो हम पैरामीटर पॉपुलेशन से हासिल करते हैं वो हमारे पास पैरामीटर होते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी जो मेजरमेंट है जो हम सैंपल से हासिल करते हैं वो स्टैटिस्टिक कहलाती है. द वर्ड स्टैटिस्टिक इज यूज्ड फॉर एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल. कोई भी चीज हम जो सैंपल से अखज करते हैं वो हमारे पास स्टैटिस्टिक कहलाती है. द सैंपल मीन एक्स बार इज अ स्टैटिस्टिक. अगर हम सैंपल का मीन फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिक कहलाती है. X bar is a statistic. Next, sampling fraction. Sampling fraction kya hai? If size of the population is n, total population ko hum kisse denote karte hain? Capital N se. To size of a population kya hoga? Capital N. And the size of the sample is small n. Abhi humne padha na ki sample size ko hum small n se denote karte hain, population size ko capital N se denote karte hain. The ratio small n by capital N is called the sampling fraction.
सैंपल इंफ्रैक्शन क्या होगी, आपके पास जो आपने सैंपल ड्रॉ किया है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सैंपल इंफ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट? कंप्लीट काउंट, जैसे कि अभी हमें इस वर्ड से ही समझ आ रही है कंप्लीट काउंट, तो हम क्या देंगे इसकी डेफिनेशन में, इफ वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, अगर हम कलेक्ट करते हैं सारी इंफॉर्मेशन को अबाउट ऑल द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जितने भी स्टूडेंट्स यूनिट हैं हम उनसे डाटा इंफॉर्मेशन उनकी कलेक्शन करते हैं, द स्टूडेंट द स्टडी इज कंप्लीट काउंट ऑफ कंप्लीट इन्यूमरेशन। मतलब ये कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट, पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उन सब से डाटा कलेक्ट करना हमारे हम क्या कहलाता है, कंप्लीट काउंट या कंप्लीट इन्यूमरेशन। ठीक हो गया? जैसे कि हम स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स की ही एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास स्टैट स्टूडेंट्स 10 हैं, हम 10 से ही डाटा कलेक्ट करेंगे, उनका नेम, फादर नेम, उनकी मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स कितने हैं। ठीक हो गया? उसके अलावा जिसमें भी इंटरेस्ट है हम वो डाटा कलेक्ट करते हैं उनसे, तो कंप्लीट डाटा उन सब यूनिट्स का जो हम इंफॉर्मेशन लेंगे वो हमारे पास कंप्लीट काउंट में जाएगा। पॉपुलेशन सेंसेस, अ कंप्लीट काउंट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन उसकी कंप्लीट, उसको कंप्लीट काउंट करना वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन सेंसस। इससे मुराद स्टूडेंट्स ये है कि हर मर्दमशुमारी होती है ना पाकिस्तान में, उसमें कंप्लीट काउंट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन किया जाता है। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि इन पाकिस्तान फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1951, फर्स्ट मर्दमशुमारी हमारे पास पाकिस्तान में हुई थी 1951। ठीक है स्टूडेंट? कंप्लीट सेंसस में ये होता है कि हम कंप्लीट काउंट ऑफ अ ह्यूमन पॉपुलेशन करते हैं, उसके बाद फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो हमारे पास फर्स्ट मर्दमशुमारी हुई थी वो 1951 में हुई थी पॉपुलेशन सर्वे। सैंपल सर्वे क्या है? इफ इट इज नॉट एसेंशियल टू कंडक्ट द कंप्लीट एन्यूमरेशन then a sample of some suitable size is selected from the population and the study is carried out on the sample, this is called a complete called sample survey. ab zara dekhiye student, it is not essential to conduct the complete enumeration, sometimes hum complete enumeration nahi kar sakte, theek hai, complete count nahi kar sakte, jaise ki hamare paas population bahut badi hai, theek hai, to hum sari population ko study nahi kar sakte, sari population pe का डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, समटाइम्स कॉस्ट प्रॉब्लम होती है, उसके बाद समटाइम्स टाइम का प्रॉब्लम होता है कि वो ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास, तो इस सिचुएशन में हमें सैंपल सर्वे की ज़रूरत होती है। देन अ सैंपल ऑफ सम सूटेबल साइज इज सिलेक्टेड, इसका मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्टूडेंट्स 1000 की तादाद है, ठीक है, तो सब स्टूडेंट्स से डाटा लेना थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सैंपल ले लेंगे, रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी स्टूडेंट्स को, फॉर एग्जांपल हमने सैंपल सेलेक्ट करना है 10 का, 20 का या 30 का स्टूडेंट, तो हम वो सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे, उनसे डाटा कलेक्ट कर लेंगे। Then a sample of some suitable size is selected from the population and the study is carried out on the sample. इसका मतलब ये क्या है कि हमने जो आगे से further analysis करने हैं वो हम उस sample पे ही analysis करेंगे और उस sample की base पे population के बारे में हम कोई भी conclusion draw करेंगे। मतलब ये कि अगर हम statistics student 1000 हैं तो उनके हमने subjects के बारे में या उनकी age के बारे में पता करना है कि statistics students नॉर्मली एज कितनी है इंटर में, तो हम उनका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स का फॉर एग्जांपल रैंडमली हमने 20 सेलेक्ट कर लिए हैं, तो 20 का डाटा कलेक्ट करने पे उसका मीन फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास वो एवरेज अगर हमारे पास आ रही है कि स्टूडेंट की एज ऑन एवरेज 18 ईयर हो, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन, हम सारे
1000 जो पॉपुलेशन है उसके बारे में ये एनालिसिस की बना पर और सैंपल की बना पर हम ये कंक्लूजन ड्रा करके देंगे कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है उनकी एवरेज एज कितनी होगी 18 इयर्स। डियर स्टूडेंट, सैंपल क्या होता है कि ज्यादातर हमारे पास जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो हम उसमें से सबसेट कोई भी पॉपुलेशन का ले लेते हैं, सैंपल ड्रा कर लेंगे और सैंपल में एनालिसिस फर्दर एनालिसिस करने के बाद हम पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रा करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ अ सैंपलिंग। सैंपलिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है? नीड फॉर सैंपलिंग, जैसे कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है कि समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इनुमरेशन ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है? हम कंप्लीट इनुमरेशन नहीं कर सकते समटाइम्स, पूरे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना टफ हो जाता है, तो हमें उस सूरत में सैंपलिंग की जरूरत होती है, ठीक हो गया? उसके लिए हमें सैंपलिंग करनी पड़ती है जब डाटा बहुत ज्यादा हो या उसके बाद कॉस्ट प्रॉब्लम हो, टाइम इश्यूज हो, अदर देन कुछ भी इश्यूज हो, ठीक है? तो हमें सैंपलिंग की जरूरत होती है, तो इसमें हमें एक एज मिल जाता है कि हम सैंपलिंग के थ्रू अपनी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। जाहिर सी बात है बच्चे, अगर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें तो उस पर टाइम भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी आएगी, बात है ना? लेकिन अगर हम सैंपल ड्रा कर लेंगे, उन 1000 स्टूडेंट में से कोई हम 20 या 30 स्टूडेंट्स ले लेंगे, तो बच्चे हमारा टाइम भी बचेगा, उसके बाद कॉस्ट भी बचेगा, सी बात है? तो ये एक बेनिफिट है हमारे पास सैंपलिंग का कि हम उसकी वजह से टाइम भी सेव कर सकते हैं, कॉस्ट भी हमारी कम लगती है। थर्ड पॉइंट, रिलायबिलिटी, डाटा रिलायबल होता है, ठीक है? समटाइम देखिए बच्चे, अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, हम उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमें डाटा सही तरह से नहीं बताते अपने बारे में, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन देते, तो उससे जो आंसर आएगा वो रिलायबल नहीं होगा, ठीक है? इस तरह से हमने कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए हैं, उनको कम्प्लीट गाइडलाइन ईजिली हमने दे सकते हैं, ठीक है? 10 स्टूडेंट्स हमने रखे हैं, उनको गाइडलाइन दी है, उनको सारा प्रॉपर वे हमने समझा दिया, देन उनसे जो हमने डाटा कलेक्ट किया है तो वो हमारा मोस्ट रिलायबल होगा, ठीक है? फोर्थ पार्ट है हमारे पास बच्चे, एडवांटेज में क्या आता है कि समटाइम्स द एक्सपेरिमेंट्स आर डन ऑन सैंपल बेसिस, द फर्टिलाइजर्स, द सीड्स एंड द मेडिसिंस आर इनिशियली टेस्टेड ऑन सैंपल्स एंड इफ फाउंड यूजफुल देन दे आर अप्लाइड ऑन लार्ज स्केल। इसका मतलब ये है कि समटाइम्स हम एक्सपेरिमेंट ही सैंपल पे पहले उसको करते हैं, फिर उसके बाद बड़े पैमाने पे उसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्टिलाइजर है हमारे पास, सीड्स हैं, मेडिसन हैं। जब सबसे पहले स्टार्ट में हम जब मेडिसन बनाई जाती हैं तो स्टूडेंट्स को पहले हम अप्लाई करते हैं सैंपल में, ठीक है? लाइक किसी भी जानवर वगैरह पे मोस्टली मेडिसन अप्लाई कर दी जाती है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर वो यूजफुल हैं तो देन उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि ये इस बीमारी के लिए मेडिसन यूज की जा सकती है। तो मतलब ये कि समटाइम्स पे हम एक्सपेरिमेंट डन ही करते हैं सैंपल बेसिस पे, ठीक है? फिर उसके बाद हम उसको फर्दर यूज करेंगे। तो जैसे फर्टिलाइजर है, सीड्स है, मेडिसिन है, अदर देन कोई भी एग्जांपल्स है, ठीक है? हम उनको पहले सैंपल बेसिस पे एक्सपेरिमेंट उनका करेंगे और देन उसके बाद हम इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मोस्ट ऑफ द रिसर्च वर्क इज डन ऑन द सैंपल, जितनी भी रिसर्च की जाती है वो पहले सैंपल पे डन होती है, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि मार्केट में लाई जाती है। तो इसमें भी ये एडवांटेज हमें एज मिल जाता है सैंपलिंग में कि हमारे पास सैंपल होते हैं, सैंपल्स पे हम पहले एक्सपेरिमेंट डन कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। सैंपल डाटा इज ऑल्सो यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सेंसस डाटा। सैंपल डाटा is also used to check the accuracy of the census data. मतलब ये कि हमने जब census data हमारे पास आ गया बच्चे, तो हम उसकी accuracy कैसे check कर सकते हैं? हम कोई भी census में तो हमारे पास ये होता है कि complete study of human population. इसी बात है complete study. तो जब हम complete study करते हैं, तो उसमें बच्चे हमारे पास जो answers आएंगे, उसकी accuracy check करने के लिए हम sample ले लेते हैं. Sample उसी database, उसी population में से लेंगे. उसी पॉपुलेशन में से जब हम डाटा सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो
हम पर सिलेक्ट करेंगे उस पर एनालिसिस करेंगे या उसका डाटा लेने पे, तो हमारे पास के जो आंसर्स आएंगे उस सेंसस डाटा के आंसर से मैच करेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे। ठीक है, तो सैंपल डाटा ये सैंपलिंग हम एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उसकी डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 डिस्कस किए हैं कि हमें समटाइम्स नीड ऑफ सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग की जरूरत ही होती है कि हम सैंपलिंग की करें, सेव टाइम्स एंड कॉस्ट, कॉस्ट और टाइम का भी हमारे पास बचत होती है, रिलायबिलिटी रिलायबल डाटा आता है मोस्ट, और समटाइम्स एक्सपेरिमेंट डन ही सैंपल बेसिस पर। लास्ट में हम एक्यूरेसी भी सैंपल डाटा की चेक कर सकते हैं, तो सैंपल डाटा। जैसे कि अब हम एडवांटेजेस देखे हैं सैंपलिंग के, लेकिन लिमिटेशंस ऑफ द सैंपलिंग, सम लिमिटेशंस भी हैं सैंपलिंग में जिसको हम डिस्कस करेंगे। समटाइम्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड। कभी कभार स्टूडेंट्स हमें इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी यूनिट, हर एक यूनिट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड। पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स होते हैं उनकी सब की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू द कंप्लीट इनुमरेशन बिकॉज द सैंपल विल नॉट सर्व द पर्पस। और ये सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब हम कंप्लीट इनुमरेशन करेंगे, सैंपल के थ्रू हम कंप्लीट डाटा गेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये उसकी लिमिट भी है। जैसे कि स्टूडेंट एग्जाम्पल से भी आपको बताते हैं, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आपको जो बताएंगे, एग्जाम्पल इन विच द समथिंग इज नॉट अलाउड is to conduct the elections. We need a complete list of the voters. Elections sample basis पे नहीं draw कर सकते, हमें complete list चाहिए होती है voters. ऐसी बात है, voters की जब तक हमारे पास complete list नहीं होगी, elections conduct नहीं किए जा सकते, इसमें हम sampling नहीं कर सकते। इसकी limit में आ जाता है कि जब हमें students पूरी population का data चाहिए, पूरी population की information चाहिए, तो हमें सैंपलिंग सर्व नहीं वहाँ पे करेगी, वहाँ पे हमें कंप्लीट इनुमरेशन ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दी गई है कि इलेक्शन में हमें कंप्लीट लिस्ट ऑफ द वोटर चाहिए। अच्छी बात जी स्टूडेंट। इसके अलावा आपको क्या समझ आती है कि हम कहाँ पे सैंपलिंग नहीं कर सकते, कोई भी एग्जांपल ऐसी जिसमें हमें कंप्लीट लिस्ट चाहिए होती है? जैसे कि हॉस्पिटल में आप कह रहे हैं कि हमें पेशेंट्स की चाहिए कंप्लीट लिस्ट। ठीक है, वो भी मिल सकती है। समटाइम्स जैसे देखिए आप यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाएं, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें स्टूडेंट्स की कंप्लीट लिस्ट चाहिए, तो मोस्ट ऑफ टाइम का ऐसी बात उसमें हमारे पास जब तक हमें कंप्लीट स्टूडेंट लिस्ट नहीं मिलेगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम उस पर एनालिसिस कर सकते। मतलब ये इंटरेस्ट पे बच्चे बेच जाएगा हमारा इंटरेस्ट बेस। अगर हमारा इंटरेस्ट है कि हम जैसे कि एज फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स की दी थी, तो हम रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं और एनालाइज करने के बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं पूरी पॉपुलेशन पूरे स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स के बारे में। लेकिन सम टाइम हमें स्टूडेंट्स क्या चाहिए, कम्प्लीट लिस्ट चाहिए होती है, कम्प्लीट लिस्ट ऑफ द यूनिट्स, मतलब जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उसमें सब की कंप्लीट लिस्ट चाहिए। ठीक है, और समटाइम्स ऐसा मुमकिन नहीं होता, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी लिमिटेशन में आ जाता है, लिमिटेशन ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सैंपल डिजाइन क्या है। इन सैंपल स्टडीज वी हैव टू मेक अ प्लान रिगार्डिंग द साइज ऑफ द सैंपल। इन सैंपल स्टडीज we have to make a plan regarding the size of the sample, selection of the sample, collection of the data and preparation of the final results based on the sample study. ab kya keh rahe hain ki sample study jab hum sampling karte hain bache uski complete study ki taraf chalte hain sampling studies to hume pura plan pehle banana padega ki hume kya chahiye, matlab hum sample mein the size of the sample ka size kitna hoga, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल को हम सिलेक्ट किस तरह से करेंगे, रैंडम सॉर्टिंग करेंगे या कोई और मेथड हम यूज करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद दूसरे में आपके पास आ जाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, उसके बाद क्लस्टर सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, ये आगे मोस्ट डिफरेंट टाइप्स हैं सिलेक्शन की कि हम किस तरह से करते हैं। तो हमें यही सारा प्लान करना है कि हमारे पास सैंपल साइज कितना होगा, उसके बाद हम सिलेक्शन सैंपल की किस तरह से करेंगे,
कलेक्शन ऑफ सैंपल डाटा, हम उसको डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, तो इंटरव्यू हम करके करेंगे या फिर क्वेश्चनेयर बनाएंगे। क्वेश्चनेयर में होता है स्टूडेंट के एक पूरा पेपर बनाया जाता है जिसमें आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिखा होगा रिटन फॉर्म में होगा क्वेश्चनेयर, तो आप क्वेश्चनेयर स्टूडेंट्स को देंगे, वो अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद उनके बारे में जो कुछ पूछा जाएगा, एज के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, स्टडी के बारे में, मार्क्स के बारे में, वो डाटा को पुट करने के बाद हमें रिटर्न कर देंगे। ये होगा हमारे पास क्वेश्चन है, मतलब कलेक्शन ऑफ द सैंपल डाटा, डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, ठीक हो गया। उसके बाद इंटरव्यू, मतलब कुछ टाइम हमें होता है कि डाटा हमें कलेक्ट करने के लिए उस जगह से डाटा कलेक्ट करेंगे जहाँ पे स्टूडेंट, या आप कह सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स पढ़े लिखे नहीं है, कि वो क्वेश्चन को पढ़ के आंसर्स नहीं कर सकते, वहाँ पे इंटरव्यू का मेथड हम यूज कर सकते हैं। लाइक हम पूछते जाएं, उनसे क्वेश्चन करते जाएं और उनसे जो आंसर हमें गेट होगा वो हम रिटर्न फॉर्म में लिखते जाएंगे। तो ये कलेक्शन ऑफ द सैंपल डाटा, डाटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाए। एंड प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स की प्रिपरेशन मतलब ये कि हम उस पर कौन कौन से एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसकी जो रिजल्ट्स आए हैं उसको हम फाइनलाइज किस तरह से करेंगे, उसकी सारी प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द सैंपल स्टडी। ये होता है टोटल सैंपल डिजाइन। जैसे कि अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले उसका डिजाइन स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना स्टूडेंट, और उसके बाद टाइम लिमिट, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस की जाती है। इसी तरह ये सैंपल डिजाइन भी आपके पास है स्टूडेंट, जिसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग डिजाइन में हमने सब कुछ डिस्कस कर लेना है कि हमारे पास सैंपल साइज कितना होगा, हमने सैंपल किस तरह से कलेक्ट करना है, उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है, उसके बाद उसकी डाटा को कलेक्ट किस तरह से करना है, एंड सब चीजें करने के बाद हम उस पर एनालिसिस कौन से लगाएंगे, एनालिसिस तो जो आंसर्स आएंगे उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है या एनालिसिस को प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक हो गया। ये सारा हमारा सैंपल डिजाइन में आ जाता है। द होल प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड द सैंपल डिजाइन। ये हमारे पास है सैंपल डिजाइन होल प्रोसीजर, ये सारा प्रोसीजर सैंपल डिजाइन कहलाता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम क्या होगी बच्चे? A complete list of all the units of the population is called sampling frame. Complete list of the units, जितने भी units होंगे सबकी जो complete list होगी वो हमारे पास क्या होगी? Sampling frame होगी। The complete list of all the units of the population is called the sampling frame. यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हम एक डाई को रोल करते हैं, डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो टोटल उसके यूनिट्स हैं वो क्या आएंगे? डाइस को रोल करने पर या तो 1 आएगा या 2, 3, 4, 5, 6। डाइस को रोल करें तो हमारे पास 6 ही आउटकम्स आती है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो उसकी कंप्लीट लिस्ट होगी, मतलब ये कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये उसकी कंप्लीट लिस्ट होगी ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, जितने भी यूनिट्स उसमें इन्वॉल्व थे हमने सबकी लिस्ट लिख ली है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सैंपलिंग फ्रेम। इसके अलावा एग्जांपल आपके पास क्या है? जैसे कि हम कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक कॉइन को टॉस करने पे हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये दोनों यूनिट कंप्लीट लिस्ट है ना, क्योंकि इसमें पॉसिबल आउटकम्स ही दो है, तो ये हमारे पास क्या होगी? कंप्लीट लिस्ट ऑफ द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, ये है हमारे पास सैंपलिंग फ्रेम। उसके बाद बच्चे आपके पास कंप्लीट लिस्ट आ गई है ना, जैसे कि हम डाइस को रोल करते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये उसके यूनिट्स आए, उसके बाद हम इवेंट कोई भी ड्रॉ करते हैं लाइक 2 ऑथर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है या 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे, लेकिन हमारे पास जो बच्चे कंप्लीट लिस्ट है, जैसे कि कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास हेड टेल आएगी, ये उसकी कंप्लीट लिस्ट है, के बाद डाइस को रोल करेंगे अगर आपके पास 2 कॉइन को टॉस करते हैं, या फिर स्टूडेंट अगर आपके पास बॉल्स डिफरेंट कह रहे हैं, आपके पास येलो बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो टोटल आपके पास 10 बॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट लिस्ट जिसमें सारे यूनिट्स आते हैं आपके पास, वो सैंपलिंग फ्रेम कहलाएगा, ठीक हो गया। इफ ऑल द फैक्ट्रीज इन अ कंट्री आर बीइंग स्टडीड फॉर सम पर्पस, अब पूरे मुल्क की जितनी भी फैक्ट्रीज होंगी अगर हम उनको स्टडी करें किसी भी पर्पज के लिए, अ सिंगल फैक्ट्री इज अ यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ फैक्ट्री। अब आपके पास स्टूडेंट सिंगल फैक्ट्री क्या है? सिंगल फैक्ट्री इज अ यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ फैक्ट्री।
एक यूनिट है, ठीक है, पॉपुलेशन का यूनिट है। जैसे कि आप हमारे 10 स्टूडेंट हैं स्टैट्स के, तो 10 स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट, जैसे कि अभी सारे ऑनलाइन हैं तो हम इसमें से स्टूडेंट्स ले लेते हैं, जैसे किस्मा नहीं है तो ये हमारे पास एक यूनिट है, यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम नादिया रजा को सिलेक्ट करते हैं तो ये है हमारे पास यूनिट, ठीक है, एक यूनिट। कोई भी अगर हम एक पॉपुलेशन में से कंप्लीट लिस्ट में से कोई एक यूनिट बाहर निकाल देते हैं स्टूडेंट, ही हमारे पास यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन होगा, उसको हम यूनिट कहते हैं। द सैंपलिंग फ्रेम कंटेन्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब सैंपलिंग फ्रेम में क्या हो जाएगा, सैंपलिंग फ्रेम कंटेन्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब जैसे कि आज ऑनलाइन कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, 6 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंप्लीट लिस्ट है, ऑल यूनिट्स है, ऑल यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये हमारे पास सैंपलिंग फ्रेम है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब पूरे लेक्चर में कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आज हमने थ्योरेटिकली सारी चीजों को देखा है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे, तो आगे आपको सैंपल किस तरह से ड्रा करते हैं, पॉपुलेशन क्या चीज होगी, पॉपुलेशन में से सैंपल किस तरह से ड्रा करेंगे, उसके बाद एनालिसिस किस तरह से लगाए जाएंगे। तो कोई भी स्टूडेंट आपको किसी भी टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो आप उसको बताएं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगी। जैसे कि सैंपलिंग फ्रेम है तो सैंपलिंग फ्रेम में हम क्या करते हैं, हमारे पास लिस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद सैंपल डिजाइन है, डिजाइन में आपको मैंने अगेन बता देती हूँ कि डिजाइन में हम क्या करेंगे, डिजाइन टोटल डिजाइन है कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है, उसके बाद कितना साइज होगा आपका सैंपल का, आपने किस तरह से डाटा उनसे लेने हैं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स क्या, आपने किस तरह से इंटरप्रेट करने हैं या आपने कौन से एनालिसिस लगाने हैं, ये आता है हमारे पास डिजाइन। उसके बाद लिमिटेशन, लिमिटेशन में ये है कि समटाइम्स हमें कम्प्लीट लिस्ट चाहिए लेकिन सैंपल हमें कम्प्लीट लिस्ट प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस में हमारे पास क्या है कि हमें समटाइम्स समथिंग नीड होती है, टाइम कॉस्ट हम बचाना चाहते होते हैं, रिलायबिलिटी हमें मोस्टली समथिंग से मिलती है, उसके बाद समटाइम एक्सपेरिमेंट ही हम सैंपल पे डाल करते हैं, एक्यूरेसी भी हम चेक कर सकते हैं, ये सारे एडवांटेजेस ऑफ सैंपल, ठीक हो गया। सैंपल सर्वे क्या होता है कि बच्चे सैंपल सर्वे में ये होगा कि अगर हमारे पास कम्प्लीट, इट इज Not essential to conduct the complete evaluation, तो हम sample, suitable sample उसमें से select कर लेते हैं। Population census की definition, ये बच्चे, a complete count of the human population is called a population census, ठीक है? Complete count of human population की complete count, ठीक है? जितनी भी human population, for example, पाकिस्तान में जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन है उनकी कंप्लीट काउंट करना हमारे पास क्या कहलाता है, पॉपुलेशन सेंसस कहलाता है, ठीक है, मर्दमशुमारी। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे साथ लिखा गया कि पाकिस्तान द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1951, जो पहली मर्दमशुमारी पाकिस्तान में की गई थी 1951। हर एक मुल्क में मर्दमशुमारी की जाती है, ठीक है। तो मर्दमशुमारी में हम कंप्लीट, जैसे कि मोस्टली ऐसा होता भी है, आपको मैं भी पता हो कि घर घर में आते हैं कुछ टीम, वो आपके बारे में डाटा पूछते हैं कि आप कितने बहन भाई हैं, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, टोटल वो लिख लेते हैं। इससे ही होता है कि मर्दमशुमारी की जाती है कि पाकिस्तान में कुल आबादी कितनी है, ठीक है, टोटल कंप्लीट काउंट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन सेंसस में आ जाता है जिसमें कंप्लीट काउंट किया जाता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स कंप्लीट काउंट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल करना, ठीक है, ऑल इंडिविजुअल्स के बारे में, सैंपलिंग फ्रैक्शन क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, जैसे कि हमने टोटल पॉपुलेशन है 10 की, उसमें से हमने सैंपल 2 सेलेक्ट किया, तो 2/10 हमारे पास सैंपलिंग फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। पैरामीटर स्टैटिस्टिक, अगर हम पॉपुलेशन से कोई चीज अहस कर रहे हैं वो पैरामीटर है, स्टैटिस्टिक क्या है, कोई हम सैंपल से अहस कर रहे हैं जैसे मीन आप सैंपल फाइंड करें तो स्टैटिस्टिक में आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। सैंपल उसके बाद टारगेट पॉपुलेशन जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है हमने उसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, एंड स्टार्ट विद इनफाइनाइट एंड फाइनाइट पॉपुलेशन,
काउंट कर सकते हैं और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, एंड पॉपुलेशन जिसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको कंप्लीट लेक्चर में स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर का आप अल्लाह हाफिज़।